हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम एग पिकअप या ओसाइट पिकअप पूरा प्रोसीजर लाइव दिखाएंगे। ये एक ओवरी है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीपल फॉलिकल्स, ये जो ब्लैक कलर की चीजें दिखती है आपको, ये फॉलिकल्स बोलते हैं। इसके अंदर एग रहते हैं और ये एग हम लेबोरेटरी में एग्जामिन करते हैं। ये पूरा जो प्रोसीजर रहता है, ये इधर लोकल एनेस्थीसिया, मतलब सिर्फ उतने पार्ट को सुन करके, या फुल एनेस्थीसिया, या जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इस चीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड नीडल यूज की जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये है ये नीडल की टिप, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सी दिस, ये जो अंदर आई ये है नीडल की टिप, और अगर आप देखेंगे तो पूरा फॉलिकल इसके अंदर एस्पिरेट हो जाता है। एस्पिरेट मतलब सक्शन हो जाता है इसके अंदर। ये जो फ्लूइड निकलता है, इसके अंदर से जो पानी निकलता है, इसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फ्लूइड। और ये फॉलिक्यूलर फ्लूइड एकदम करीबी, मतलब हमारे से बाजू के रूम में जो आईवीएफ लेबोरेटरी है, वहां पे एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। ये पूरा प्रोसीजर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि अभी एक ही मिनट हुआ है और ये प्रोसीजर एकदम रैपिडली एक्सपर्ट हैंड्स में अच्छी तरह से हो सकता है। देखिए, ओवरी में काफी सारे फॉलिकल्स है, तो आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चा करने के लिए तो एक एग लगता है, तो क्यों इतने सारे फॉलिकल्स? इस चीज को बोलते हैं कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिम्युलेशन, और आज के जमाने में इसे बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिम्युलेशन। मतलब हर पेशेंट के लिए स्टिम्युलेशन का प्रोटोकॉल अलग रहता है। कोई भी अच्छे क्लिनिक में अगर आप जाएंगे तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज डन एंड हाउ इट इज फॉलोड। दूसरी चीज, ये पूरे चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रोसीजर इतना लाइट है कि प्रोसीजर खत्म होने के बाद में तकरीबन 2 घंटे के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और बहुत सारे पेशेंट्स इसी दिन पे काम पे चले जाते हैं। काफी लोगों को ये डर रहता है कि ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल होने वाला है। इनफैक्ट हम ये प्रोसीजर अभी कर रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया में, और जैसे कि आप देख रहे हो देयर इज नो साउंड एट ऑल, कोई कुछ भी आवाज नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज एन एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर फॉर द पेशेंट। ऑफकोर्स जो बारीकी से ये किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग, ये सब लगता है, एंड इन अ गुड हैंड, दैट मीन जो बंदे ये सर्जरी ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि कोई बिजी आईवीएफ क्लिनिक, मान के चलिए हमारे सेंटर पे हर महीने के तकरीबन 100-150 पेशेंट्स का स्टिम्युलेशन होता है, तो ऐसे सब सिचुएशंस में ये आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर एंड अ पेन फ्री एक्सपीरियंस देने की कोशिश डॉक्टर्स करते हैं। आपको ये भी जान में रखना है कि ये प्रोसीजर होने के बाद में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते। मैंने एक साइड की ओवरी खत्म कर ली है, देखिए 3 मिनट हुआ है लाइव सर्जरी को, मैंने एक साइड की ओवरी खत्म कर ली है, आई एम गोइंग ऑन टू द अदर ओवरी, मतलब दूसरे साइड की ओवरी पे जा रहा हूं, क्योंकि हर लेडी में 2 ओवरीज रहते हैं प्रिडोमिनेंटली, ऑफकोर्स अनलेस किसी को कोई मेडिकल इश्यू है तो। और दोनों साइड की ओवरी के सारे फॉलिकल्स को हम पिकअप करते हैं। देखिए, ये एक ही ऐसा जरिया है जिसमें हम फॉलिकल के अंदर के एग, एग की क्वालिटी, एग की फर्टिलाइजेशन की क्षमता, ये सब चीज को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। इसीलिए पेशेंट्स जिन्हें आईवीएफ रेकमेंड किया जाता है, अपार्ट फ्रॉम द क्लिनिशियन, अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहते हैं, जो वो डॉक्टर्स रहते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर एग की क्वालिटी कैसा है ये चेक करते हैं, स्पर्म की क्वालिटी कैसा है ये चेक करते हैं, वो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छे क्लिनिक्स में आप ये पाएंगे कि जो डॉक्टर है, मान के चलिए हमारे क्लिनिक में मैं डॉक्टर हूं, हम खुद एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहते हैं, सारे पेशेंट्स का प्रोसीजर हम इंडिविजुअली करते हैं। ये सब चीज ठीक से करने के बाद में आपको ये जानना है कि आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है ब्रॉड एवरेज पे, अगर किसी लेडी का उम्र 35 साल से कमती है तो आईवीएफ का सक्सेस रेट तकरीबन 35-40% के आसपास रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे एग की क्वालिटी कम हो जाती है, एग की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इस सब चीजों में आपको एक बहुत अच्छे डॉक्टर, आपको एक वेल एक्सपीरियंस्ड आईवीएफ क्लिनिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 30-35% सक्सेस रेट तब आता है जब आपका आईवीएफ क्लिनिक अच्छा है, जब आपके डॉक्टर्स डेडिकेटेडली ये काम करते हैं। और हर पेशेंट को आईवीएफ करने के द्वारा ये ध्यान में रखना है कि मिनिमम 1, 2, या 3 अटेम्प्ट कभी कभी आईवीएफ के ट्रीटमेंट में आपको लग सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे पेशेंट फर्स्ट ही अटेम्प्ट में प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
अगर आपको खुद के एग से और खुद के स्पर्म से बच्चा चाहिए, देन एज अ पेशेंट यू शुड बी रेडी टू टेक मल्टीपल अटेम्प्ट्स। आप देख रहे हैं तकरीबन 5 मिनट हो गया है और 5 मिनट में मैंने दोनों साइड के ओवरी में आपके साथ बात करते करते सारे फॉलिकल्स एस्पिरेट कर लिए हैं। हमें अभी हमारे लेबोरेटरी से मैसेज आया है कि तकरीबन अभी स्क्रीनिंग चालू है बट तकरीबन 10 एग या क्यूमुलस ऊफरस कॉम्प्लेक्सेस जिसे हम COC बोलते हैं वो ऑलरेडी उन्हें मिल चुके हैं। देखिए ये साइड का ओवरी इज कम्प्लीटली एम्प्टी, दूसरे साइड का ओवरी इज कम्प्लीटली एम्प्टी। 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये पेशेंट घर पे चले जाएंगे। एनी फर्दर क्वेश्चंस टू दिस प्लीज फील फ्री टू पोस्ट इट इन आवर कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।